बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। आपको बता दें कि इस वक्त कुछ ही लगभग आधे घंटे के करीब श्रीनगर समेत कई सारे इलाकों में बारिशें हुई। वही इस वक्त जो मनाजिर आप देख रहे हैं ये शहरी श्रीनगर के राजबाग इलाके के हैं, जहां पर कुछ घंटे यानी एक घंटे के करीब बारिश हुई और बारिश की वजह से पानी जो है वह बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। शहरी श्रीनगर के गली कोचे जो हैं उनमें पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। बिल्कुल मेरे साथी मुशरिफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त शहरी श्रीनगर के राजबाग में किस तरीके का पानी जमा हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पर यह देखिएगा कि जो मकान है, रिहायशी मकान है, गेट के अंदर से जो पानी है अंदर घुसा जा रहा है और यहाँ पर जो भी गली कूचे हैं उन पर उनमें पानी की जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा जमा हो चुकी है। ये शहरी श्रीनगर के मनाजिर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं बराह रास्त। बिल्कुल आपको बता दें कि इस वक्त हम आपको शहरी श्रीनगर के मनाजिर दिखा रहे हैं, जहां पर कुछ घंटे लगभग आधा घंटे पहले बारिश हुई थी, लेकिन बारिश की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी और बहुत ज़्यादा स्पीड होने के नतीजे में शहरी श्रीनगर के राजबाग इलाके में इस वक्त पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। इससे पहले भी हमने महकमा मौसमियात से बात की थी और महकमा मौसमियात से जाना था कि आज जिस तरह महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि बारिशों की तवक्कात हैं, बारिशें होंगी और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि इस वक्त बारिश जो है बहुत ज़्यादा हुई श्रीनगर में और इस बारिश की वजह से पानी बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है। जहां सरकार की जानिब से दावा किया जाता है कि स्मार्ट सिटी को बनाने के हवाले से कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये देख सकते हैं आप शहरी श्रीनगर में इस वक्त हल्की सी जो बारिश होती है तो हल्की सी बारिश में पानी कितना ज़्यादा जमा हो चुका है। जी हाँ, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, ये देखिएगा कि वहाँ से एक गाड़ी आ रही है और गाड़ी को कहाँ तक पानी जो है वो पहुँच रहा है। बिल्कुल तस्वीरें शहरी श्रीनगर के राजबाग इलाके की है, पानी की बहुत ज़्यादा लेवल जो है यहाँ पर जमा हो चुकी है। मेरे साथ ही मुशरिफ ज़रा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पानी जो है बहुत ज़्यादा जमा हो चुका है यहाँ पर शहरी श्रीनगर के राजबाग इलाके में। इससे पहले भी खबरें वादी कश्मीर के दीगर इलाकों से भी आ रही हैं, जहाँ खबरें बारामूला से आ रही हैं और बारामूला के द्रंगबल इलाके में भी क्लाउड ब्रस्ट्स के वाकयात सामने आए हैं और इसके साथ साथ बांडीपोरा से भी तफसीलात सामने आ रही है कि वहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिशें हुई हैं। लेकिन शहरी श्रीनगर के राजबाग में देख सकते हैं आप कि पानी की कितनी लेवल जमा हो चुकी है। ये देखिएगा मुझे पानी कहाँ तक पहुँच रहा है इस वक्त। जहां सरकार आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के पीछे लगी हुई है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को बनाने के हवाले से कई करोड़ों रुपए जो है लागत का तकमिया लगाया जा रहा है, लेकिन ये देखा गया जहां कुछ लगभग आधे घंटे के करीब बारिश होती है और इस बारिश में पानी की लेवल जो है वो कितनी जमा हो जाती है। क्या यही है स्मार्ट सिटी? और इस पानी को लेकर कई सारे जो सवालात हैं मौजूदा इंतजामिया पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर अगर इसी को स्मार्ट सिटी कहते हैं तो असली स्मार्ट सिटी जो है वो क्या है। मेरे साथ ही आपको दिखाने की कोशिश करें, बहरहाल मुझे साथ दीजिएगा मुशरिफ और दिखाइएगा कि किस तरीके से इस वक्त पानी जमा हो चुका है श्रीनगर के राजबाग इलाके में। ये देखिएगा इस रिहायशी मकान में भी पानी घुस चुका है यहां से, ये देखिएगा पानी की लेवल कितनी ज्यादा है। बिल्कुल ये देखिएगा ये राजबाग के अंदरून जो इलाके हैं वहां की तस्वीरें हैं, जहां पर लगभग आधा घंटा करीबन बारिश हुई और बारिश के नतीजे में ये पानी की लेवल जो है वो जमा हो चुकी है। और ताज़ा तरीन तफसीलात के मुताबिक जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर भी बारिशें हुई हैं और उन बारिशों की वजह से जो है कुछ एक इलाकों में क्लाउड ब्रस्टर्स भी हुए हैं। बारामूला के द्रंगबल इलाके से तफसीलात मिल रही हैं और इस वक्त जो है हवाएँ थोड़ा तेज़ चल रही हैं और ये पेशगोई की जा सकती है कि शायद मज़ीद बारिशें हो सकती है। अगर मज़ीद बारिशें होती हैं तो पानी की लेवल जो है वो बहुत हद तक बढ़ सकती है। मेरे साथ ही मुशरिफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तस्वीरें श्रीनगर के राजबाग इलाके से, ये देखिएगा मैं किसी झील में, मैं किसी तालाब में या मैं किसी दरिया में नहीं हूँ, बल्कि ये शहरी श्रीनगर के राजबाग इलाके का अंदरून वो रोड है जो इसको बाकी जवाहर नगर या बाकी इलाकों से अंदरून जोड़ता है, वही ये रोड है। आप मत समझिएगा कि आप किसी तालाब में हैं या किसी छोटी सी नहर में हैं, मैं इस वक्त इस अंदरून हाईवे इसको कहिएगा आप इसी पर हूँ और यह है अंदरून हाईवे का हाल कि जहां इतना ज्यादा पानी जमा हो चुका है। और अक्सर देखा गया है शहरी श्रीनगर में जब भी बारिश होती है, हल्की सी बारिश होती है, इस बारिश में जो गली कोचे हैं इन गली कोचों में पानी की बड़ी जो तादाद है, पानी की बड़ी लेवल जो है वो जमा हो जाती है। ये देखिएगा यहां पर यह बंड है और बंड को कहां तक पानी पहुंचता है। आ जाइएगा मुशरिफ, हम कोशिश करेंगे देखने की कि आखिर ये पानी कहाँ तक जमा हो चुका है श्रीनगर में।
श्रीनगर के राजबाग इलाके में और कोशिश करेंगे देखने की कि आखिर अगर फिर से बारिश होती है तो कहीं ना कहीं पानी की लेवल जो है वो बहुत हद तक बढ़ भी सकती है। लेकिन अभी जो मौसम है वो बिल्कुल उमूमी तौर पर खुशक है। जिस तरह महके मौसमियात ने पहले ही बताया है कि लगभग 30 तारीख तक मौसम ऐसे ही उबर आलूद रहेगा और इस बीच हल्की बारिशों की भी पेशगोई की गई। अगर इस बीच मजीद बारिशें होती है तो पानी जो है वो बहुत हद तक बढ़ सकता है। ये देखिएगा, ये दुकान है और दुकान की जो हाइट है, अगर थोड़ा सा पानी का बहाव थोड़ा सा और बढ़ता है तो पानी इस शॉप में भी घुस सकता है। बिल्कुल तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं श्रीनगर के राजबाग इलाके की, जहां पर इस वक्त सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है। ये देखेगा कि दुकान के सामने ही जो पानी है वो अंदर भी घुस सकता है। बिल्कुल तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं श्रीनगर के राजबाग की, जहां सरकार की जानिब से बड़े बड़े दावे तो हो रहे हैं स्मार्ट सिटी को लेकर और स्मार्ट सिटी को बनाने के हवाले से, लेकिन यहां पर देखिएगा कि पानी की जो लेवल है वो किस हद तक बढ़ी हुई जा रही है। ये देखिएगा, वहां से गाड़ी आ रही है और ये गाड़ी किसी नहर किसी दरिया में नहीं चल रही है बल्कि रोड पर चल रही है। ये देखिएगा मुशरिफ, जरा ध्यान दीजिएगा मुशरिफ, जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। मेरे साथ ही मुशरिफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पानी का बहाव कितना, क्या बासा मोजी डार बासान के। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सोर आप चुसामु तस बिल्कुल। हाँ 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 क्या क्या बासान मोज क्या बासान खतरे शाह बासान के खतरे शाह बासान ठीक ठीक नुकसान गो मगर गर द्रम बिल्कुल बिल्कुल ममी बसान यह अत दुकान आव नुकसान गोफी नुकसान बल वन स्मार्ट सिटी कस स्मार्ट सिटी स्मार्ट कस कस स्मार्ट सिटी गांव सरस यह गई रुद ओर फिर भी सहलाब स लच फिस गो नुकसान ठीक 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 यह कस स्मार्ट सिटी बसान फायदे कहीं फायदे नहीं फायदे नरानी गई सानी गई वरानी कस स्मार्ट सिटी अगर स्मार्ट सिटी आल गा रुद ओर कतर सूत आब पे यूत आब खसन बिल्कुल बिल्कुल नुकसान गरीबन गुर्बात गुकसान कस देख बिचार डांड तो क्या अपील कर मोज क्या अपील कर फैमिली अमिस नफर पे दुकान चलान बिल्कुल नुकसान यूत नुकसान वह गोस ग चार आब न बिल्कुल रुद ओर कतर स्रेख न बिल्कुल बिल्कुल मोज चलो चलो वन इंतजामिया वुछान तुम कर जरूर अत पे तबादल लिखा मोहम्मद यासिन दुकान मोहम्मद अमीन दुकान नुकसान बलाय गए बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो यहाँ पर जो लोग हैं इस वक्त आप देख सकते हैं कि माँ खिड़की से बाहर निकली और यही कहने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये जो दुकान मालिक है इसके दुकान में पानी घुस चुका है और मामूली कुछ ही टाइम जो बारिश होती है उससे अगर इतना नुकसान होता है तो आखिर जो शख्स इस दुकान से अपनी फैमिली को सर्व करता है आखिर इसका जो खामियाजा है वो कौन देगा। बिल्कुल बिल्कुल ये तस्वीरें जो हैं श्रीनगर के राजबाग इलाके की हैं और राजबाग इलाके में इस वक्त आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव कितना ज्यादा है, पानी का बहाव कितना ज्यादा है। ये दीजिएगा गाड़ी आ रही है वहां से, मुशरिफ जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। बिल्कुल 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 क्या बात है सर पानी बहुत है। हाँ खतरा लग रहा है, खतरा लग रहा है, गाड़ी चला रहा हूँ। हाँ, गाड़ी हमारी पंजाब नंबर, इतना खतरा लग रहा है, बहुत खतरा लग रहा है सर। सरकार की जानिब से दावे किए जा रहे हैं श्रीनगर स्मार्ट सिटी बनाया जा रहा है, ये सिटी बना रहे हैं या खराब कर रहे हैं। आपको लग रहा है इस वक्त आप किसी दरिया में से चल रहे हैं? बिल्कुल सर, देखो पानी कितना, रोड नजर आ रहा है, रोड नजर आ रहा है, नहीं लग रहा है सर, नहीं रोड नहीं नजर आ रहा है, नहीं। तो क्या कहना चाहोगे मौजूदा सरकार को? सरकार को चलते हैं कि रोड सही करो, ये पानी नहीं आना चाहिए। देखो रोड की तरफ बताओ इधर थोड़ा कैमरा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे साथ ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं सर? सर जम्मू से। जम्मू से आए हैं, ऐसा रोड कभी देखा है जिंदगी नहीं, में नहीं देखा, कभी नहीं देखा। चलिए चलिए, ख्याल रखिएगा अपना, ख्याल रखिएगा। इतने में हमारे सरबराह शाहिद इमरान, एडिटर इन चीफ कश्मीर क्राउन, हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए।
जिस तरह हम आपको अपडेट दें कि शहरी श्रीनगर में इस वक्त बारिश, हल्की सी बारिश हुई और इस बारिश के चलते इस वक्त शहरी श्रीनगर में बहुत ज्यादा बारिश हो चुकी है। सर आप बताइएगा आपके यहाँ क्या हाल है और क्या कुछ तफसीलात है आपके पास सर? हेलो सर, मंजूर जिस तरह से हम इस वक्त विजुअल्स अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, बिल्कुल चाहे हम श्रीनगर के अंदरून इलाके जो हैं राजबाग में इस वक्त हमारी टीम मौजूद है और आप विजुअल्स पे तमाम नाज़रीन इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी टीम जो है वो इस वक्त राजबाग के अंदरून इलाकों में रिपोर्टिंग कर रही है और मामूली जो बारिश है उसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ जो इलाके हैं वो इस वक्त ज़ेर आब हैं। तस्वीरें आपको मुशर्रफ दिखा सकते हैं कि किस तरह से मंजूर रिपोर्टिंग कर रहे हैं राजबाग में और लोग जो हैं वो भी परेशान हो चुके हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये शहर के अंदरून इलाकों का हाल है और अगर हम बाकी जो मजाफाती इलाके हैं जिसमें खानपुरा हमें कमेंट्स में लोग लिख रहे हैं, बिल्कुल मैं आपको कमेंट्स पढ़ के दिखाऊं। बिल्कुल बिल्कुल सर। शबीर साहब लिख रहे हैं कि कयामत है जनाब। तो रफीक भट्ट साहब लिख रहे हैं छानपुरा मदीना बाग में भी यही हाल है और राजबाग भी सारे बागों में होगा। आप बिल्कुल ये फयाज भट्ट साहब लिख रहे हैं बारिश रुकी क्या। जान मोहम्मद लिख रहे हैं बारिश फिलहाल रुक चुकी है। और आपको मैं बता दूं कि तारिक साहब लिख रहे हैं कि उनके इलाके में भी ये है। मोहम्मद सईद दून गुरेज से लिख रहे हैं कि गुरेज में भी बारिशें हो रही हैं। उमर साहब लिख रहे हैं कि बड़ी बुरी हालत है इस वक्त और पांपोर में भी 4G रेनिंग चल रही है। पीर मंसूर साहब लिख रहे हैं बिल्कुल सर। बटमालू में भी बारिशें हो रही हैं। ये बुरहान डार साहब लिख रहे हैं और आपको मैं बता दूं कि शमीका खान लिख रही है कि लाल चौक स्मार्ट सिटी का भी यही हाल है जी। तो जहाँ तक जो लोग हमें इस वक्त लाइव में देख रहे हैं वो कमेंट्स भी कर सकते हैं और कमेंट के जरिए वो अपनी आरा या अपनी राय दे सकते हैं हमें कि उनके इलाकों में क्या हाल है। बड़गाम में भी यही हाल है। शफी खान साहब लिख रहे हैं सनत नगर श्रीनगर 5G रेनिंग लोन जैन साहब लिख रहे हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये राजबाग की तस्वीरें इस वक्त बिल्कुल मुशर्रफ बिल्कुल पर। तो बांडीपुरा अजिस में भी बारिशें हो रही है। मंजूर राठर साहब लिख रहे हैं और सौरा में भी बारिशें हो रही है। ये बुरहान डार साहब लिख रहे हैं। राठर वजाहत लिख रहे हैं कि बड़गाम में भी यही हाल है। आपको मैं बता दूं कि ये बारिशें गर्ज सिर्फ आधे घंटे एक घंटे में हुई लेकिन इस बारिश ने श्रीनगर में रहने वालों का हाल बुरा कर दिया। राजा इकबाल लिख रहे हैं कि त्रंगबल बारामूला में भी यही हाल है। जीवीसी में भी यही हाल है। ये मलिक साहब लिख रहे हैं। तो शहजाद मल्ला लिख रहे हैं कि बांडीपुरा इस से अगर दो दिन कंटिन्यू पड़ी तो फिर क्या होगा। ये शाहिद भट्ट साहब लिख रहे हैं। बिलाल अहमद लिख रहे हैं कि बांडीपुरा में भी यही हाल है। अनंतनाग नूरेन रेनिंग इन बदरवा डिस्ट्रिक्ट डोडा। नासिर खतीब लिख रहे हैं जहांगीर चौक में भी। जहांगीर चौक में कितना है? जहांगीर चौक में बारिशें हुई हैं लेकिन इस वक्त जहांगीर चौक फिलहाल सेफ है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि फिलहाल हम आपको श्रीनगर के राजबाग जवाहर नगर और बाकी जो इलाके हैं उनकी तफसीलात मंजूर दार साहब हमारे हमें फराहम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये बारिशें हुई। हमारी बात सोनम लोटस मंजूर आप कहाँ जा रहे हैं थोड़ा सा हमें अपडेट करें। बिल्कुल शाहिद साहब मैं कोशिश कर रहा हूँ जो भी श्रीनगर खासतौर पर इस वक्त मैं राजबाग में मौजूद हूँ, राजबाग के जो अंदरून इलाके हैं इनमें मौजूद हूँ और अंदरून इलाके में जब कुछ देर पहले लगभग आधा घंटा बारिश जारी रही थी और लेकिन बारिश जो थी बहुत तेज हुई थी और अंदरून इलाकों में इस वक्त कुछ एक दुकानों में पानी भी घुस गया था और हम कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हम पूरे इलाके का मुआयना करें और पूरी तरीके से अपने नाज़रीन को भी अपडेट दें, साथ ही साथ जो इंतजामिया की जानिब से लोग हमें देख रहे हैं उन तक भी अपडेट पहुंचे ताकि अगर बारिश मजीद होती है तो कहीं ना कहीं पानी जो है इसमें बहुत इजाफा हो सकता है। ये सिर्फ आधे घंटे के वक्त तक बारिश हुई थी, बारिश बहुत ज्यादा तेज हुई थी जिसके नतीजे में यहां पर कुछ एक दुकानों में पानी भी घुस चुका है। अलबत्ता अभी जो दुकानदार है उनकी जानिब से कोई एक बंदा सड़क पे नजर नहीं आ रहा है या अपनी दुकानों की जानिब नजर नहीं आ रहा है क्योंकि शायद उन्हें पता नहीं होगा कि उनकी दुकानों का क्या हाल होगा। लेकिन फिलहाल के लिए हम अपने नाज़रीन को अपडेट दे रहे हैं श्रीनगर के राजबाग इलाके से जहां पर पानी बहुत ज्यादा जमा हो चुका है अंदरून इलाकों में और अगर
आने वाले वक्त में कुछ घंटों में बारिश मजीद होती है तो हालात बहुत खराब हो सकती है। फिलहाल श्रीनगर के राजबाग इलाके में इस वक्त सैलाब जैसी सूरत हाल बनी हुई है और हमारे नाजरीन जो है वो तस्वीरों में साफ तौर पर वाजिया देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त श्रीनगर राजबाग का इलाका जहां पर हमारी टीम जो है इस वक्त रात के लगभग 11:20 हो चुके हैं और हमारी टीम इस वक्त सड़कों पर है क्योंकि पानी जो है वो भर गया है मुख्तलिफ जो शहराए हैं या खासकर जो छोटी छोटी सड़कें हैं श्रीनगर राजबाग की, जवाहर नगर की, वहां से रिपोर्टिंग हमारी टीम कर रही है। बड़गाम में भी यही हाल है, परे आशिक साहब लिख रहे हैं, काकपुरा पुलवामा में भी इस टाइम बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, ये सईद मंजूर इंद्रा भी लिख रहे हैं। मंजूर, ये बता दीजिएगा ये कौन सा इलाका है, थोड़ा सा अपडेट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बिल्कुल बिल्कुल शाहिद साहब जो तस्वीरें मैं अपने नाज़रीन को इस वक्त दिखा रहा हूँ श्रीनगर के राजबाग इलाके की हैं, जहां पर आपको याद होगा कि चंद घंटे पहले, एक माफ कीजिएगा आधा घंटे पहले बारिश शुरू हुई थी और तेज धार वाली बारिश शुरू हुई, गरज चमक के साथ जब बारिश हुई और बारिश होने के बाद ये जो नतीजा है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नतीजा है, सिर्फ आधा घंटा बारिश हुई। अगर एक दिन या कुछ घंटे बारिश इसी तरीके से रहती है तो खुद आप अंदाजा लगाइए कि क्या हाल हो सकता है शहरी श्रीनगर का, जहां यहां पर कई मंजूर थोड़ा सा दुकानों की तरफ मुशर्रफ को अगर आप बता दें कि वो दिखाएं दुकानें जो हैं वो सेफ हैं क्या, उनके अंदर चूंकि माल है दुकानदारों का उनकी तरफ दिखाएं कि बिल्कुल बिल्कुल हम दुकानों में बिल्कुल बिल्कुल यहां पर एक नानवाई की दुकान हम अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं कि ये देखिएगा इस नानवाई बेचारे ने अपनी लकड़ियां यहां पर जमा रखी थी और सुबह सवेरे ये आता, इसको तंदूर में जलाता और लोगों के लिए यहां पर रोटियां बनाता, लेकिन बारिश इतनी जबरदस्ती हुई है जिस बारिश के नतीजे में ये सारी लकड़ियां जो है पानी की जद में आ चुकी हैं, पूरी तरह भीग चुकी हैं और वो बेचारा जब सुबह आएगा तो खुद वो करेगा क्या उस टाइम। बहरहाल दुकानों की जानिब से भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि कहीं एक दुकान हमने पीछे भी दिखाया कि जिनमें पानी पूरी तरह घुस चुका है और कुछ एक दुकान जो है वो बच चुके हैं जो हल्की सी हाइट पर है। जी। सर बताइए कैसा लग रहा है, किसी दरिया में से तो मत चल रहे हैं आप? वैसा ही लग रहा था, दरिया लग रहा है। ऐसे किसी दरिया में पहले चले हैं आप? नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं। क्या कहेंगे स्मार्ट सिटी को लेकर? बहुत अच्छी स्मार्ट सिटी, अच्छी स्मार्ट सिटी है। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, हम यहाँ पर जो राह चलते जो भी ड्राइवर साहिबान हैं उनसे भी बात करते हैं और हर कोई यही कहता है कि हमें ऐसा लग रहा है कि किसी दरिया में से चल रहे हैं और पहली दफ़ा हमें ऐसा लग रहा है कि किसी दरिया में से चल रहे हैं, रोड बिल्कुल गायब है बिल्कुल। साथ ही मेरे मुशर्रफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि दुकानों की जानिब कि अगर थोड़ा सा हल्का सा पानी है और इसमें इजाफा होता है तो पूरी तरह जो राजबाग के अंदरून इलाके में दुकानें हैं ये सारी दुकानें पानी की जद में आ सकती हैं और कहीं एक जो नुकसान भी हो सकता है, लेकिन कुछ एक दुकान हमने अपने दोस्तों को दिखाए जिनमें इस वक्त ऑलमोस्ट पानी घुस चुका है, जहां